वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मेरे आप लोग सही होंगे, जा भी होंगे, मतलब होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। और भाई डेली व्लॉगर इज बैक। आपका भाई फिलहाल तो डेली व्लॉगर बना हुआ है। अब कब तक मैं डेली व्लॉगर बनाऊंगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अब फिलहाल अभी बनाऊँ। तो आज PSL की ओपनिंग है, वैसे ओपनिंग तो हो चुकी है, अभी मैच स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं आगे क्या सीन है और PSL वगैरह के देखते हैं आज कौन जीतता। मुल्तान हल्का और लाहौर का मैच है, मेरे को लगता है मुल्तान जीत जाएगा, लाहौर हर बार हार जाता है। वैसे मेरे दिल चाहता है मैं इस बार सपोर्ट कर रहा हूँ कराची किंग को, और आप लोग किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं आप कमेंट में बताओ। लेकिन मेरा दिल कह रहा है लग रहा है लाहौर जीत जाए, बेचारा हर बार हारता है, आज जीत जाए। तो जब भी मैच शुरू होगा देखते हैं आगे क्या सीन है, तो जब तक हमारे साथ रहना। और भाई मैं तो एक चीज़ तो भूल ही गया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलाम करना भूल गया था। अब लगाओ इंट्रो और अब करते हैं व्लॉग का आगाज। तो गाइस मैच वगैरह भी शुरू हो सकता है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये मैच चल रहा है सर, और यहाँ पे खाना वगैरह भी आ चुका है। अब खाते हैं खाना और साथ साथ मैच भी इंजॉय करते हैं और देखते हैं क्या करना है। मैं आपको खाना टेस्ट करके बताता हूँ खाना कैसा है। पानी आ रहा हूँ मैं, क्या बोला तूने? मजे का यार, कोई नई रेसिपी है क्या बाप हो गई, मजे का है। एग रोल करा रही है आउट हो गया, तेज खेला हुआ शॉट था, मेरा नहीं ख्याल बैक बेक तवक्को कर रहे थे कि ये कैच होगा, बहुत ही खूबसूरत कैच, उसामा अमीर थे फील्डर। ओ भाई साहब ये आप चेक कर सकते हैं ये आउट हो चुका है। वो मैंने एक्सीडेंट रिकॉर्ड करा उसी बॉल पे आउट हो गया। देखें ये रिव्यू दिखा रहे हैं यार, तो नहीं कैसे आउट हो गया। चलो हम यही ऐसे बंदे कि हमारा बॉलर आउट हो गया, वरना उनका एक भी आउट नहीं हो रहा था। PSL सीधा रेड की पहले विकेट हमने रिकॉर्ड कर ली अपने मोबाइल के अंदर, पहले आउट हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो होता है मैं आपको बताते आऊँगा। पहले खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं, बाय। तो भाई साथ साथ में मैच तो इन्जॉय हो रहा है, लेकिन मेरे पास अभी मीठा पान है, तो इसको टेस्ट करते हैं कैसा है और खा के बताता हूँ ये कैसा है, अच्छा है या बुरा है, लेट्स सी कैसा होगा। पान तो खुल जाएगा, मैं इसको खाऊं कैसे यार, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह, पूरा मतलब है नहीं आएगा, बहुत बड़ा ही है जो खाते हैं, तो पान बहुत ही बढ़िया है, मजेदार ये मजा आई यार। आप कोई मित्र का साओ तो शहबाज पान जरूर खाना, VIP पान होते हैं इनके, VIP मेरी भी साथ साथ चल रहा है, ये आप देख सकते हैं ये वो है, ये स्कोर है, देखते हैं क्या होता है जैसे। और भाई यहाँ पे अपनी फखर जमान की टीम मुकम्मल हो चुकी है, जैसे आप लोगों को नजर आ रहा होगा 32 बॉल में 50 रन बनाए, PSL की फर्स्ट 50 मारी फखर जमान ने। और मेरे को जहाँ तक ख्याल है 150 तक स्कोर जाएगा आज। अच्छा बात, आउट नहीं, आउट नहीं है जाते मेरे भाई। तो भाई फकर धवन की 50 मुकम्मल हो चुकी है, मेरे जहाँ तक मेरे को लगता है 150 तक स्कोर जाएगा, देखते हैं कहाँ तक स्कोर जाता है, देखते हैं आगे मैच में क्या होता है, लेट्स सी। तो भाई यहाँ पे अभी एक और विकेट गिर चुकी है होप की, और फकर जमान मेरे को लग रहा है सेंचुरी के चक्करों में, और ऐसे कैच हुआ है देखो ये, पोलार्ड इस बार मुल्तान सुल्तान में यार, पिछली बार कराची में था। मुझे लग रहा है कि फकर की सेंचुरी हो जाएगी, सही है, मुझे ऐसा लग रहा है फकर की सेंचुरी को सब्सक्राइब करना ज़रूर, ठीक है, वैसे भी कर दो यार आपके ही भाई हूँ। और एक और विकेट गिर चुकी है, और जहाँ वो मैंने पहले कहा था कि 150 तक टारगेट जाएगा, मेरे को भी ये लग रहा है कि 150 तक ही टारगेट जाएगा, क्योंकि इतना नहीं मैंने पहला मैच है इसलिए, क्या बताओ आगे भी चली जाए, वो तो मैच के एंड पर चलेगा और आपको भी मेरे को भी, देखते हैं आगे क्या होता है। और गाइस हम लोग यहाँ पे मैच देख रहे थे और इतने में यहाँ चल जा चुकी है लाइट, यहाँ पे हमारी लाइट जा चुकी है,
और अब लाइट जा सकी है पाकिस्तान में, लाइट तो जरूर जाएगी। तो इसी बात पे आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रोजाना आप तो डेली व्लॉग आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर देना। अगर सब्सक्राइब करके छोड़ दो तो फायदा नहीं है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे करना पड़ता है, ताकि जो अगर मैं ये वाला व्लॉग डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए फौरन, सबसे पहले मेरा व्लॉग आप देख लें। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी ऑल पे कर दें, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी करते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह पे ये शेयर कर दें, ठीक है। तो देखते हैं हमें आगे मैच के अंदर, अभी ये सूरत हाल चल रही है, देखते हैं आगे मैच के अंदर क्या होता है। A few moments later. तो भाई साहब अभी अभी पिछली बॉल पे एक बोल्ड हुआ था, और उससे अगली बॉल पे फखर जमान आउट हो गया है। फखर जमान की सेंचुरी मुकम्मल नहीं हो पाई, गलत हुआ बेचारे फखर जमान, शॉट मारने की कोशिश की मगर बाउंड्री पे कैच हो गया। ये अब ये देखे आउट स्टैंडिंग केस पकड़ा यार, दो बॉल बेचारों के दो आउट हो गए। सेंचुरी हो जाती है अगर थोड़ा टीका रहता है इस केस पे, लेकिन नहीं हुई। चलो कोई ना, देखता है क्या होता है। A few inches later. ओए शाहनवाज आनी ने मौका मिस कर दिया यार, बहुत अच्छा मौका था इसके पास। That's my fault coming in the comb box. You'd never miss from there. Not unless it was really reversing. He had six stumps to it. Shadi review did he? Yes. That he missed. Yeah, review. They're both in one end. It was just he could have just ran. Why? What is he doing? Why? इतनी सी बॉल ले गए, वरना एक और खिलाड़ी इनका आउट हो जाता, लेकिन अब बचत हो गई इनकी, थोड़ी सी बॉल ले लग जाती तो आउट हो जाता। शाहनवाज आली से बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन कोई ना, क्रिकेट के अंदर ये तो होता रहता है, ये वो अगर हर बॉल पे आउट होगा तो फिर कैसे चलेगा, देखता हूँ आगे क्या होता है। 2000 years later. Just sort of wanted to go a little bit right or left of that fielder, went straight at him. तलात नाम कुछ ऐसा नाम था, तो वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मगर वो भी आउट हो चुका है। और स्कोर है 160 प्लस, आई में शायद गोल नहीं कर रहा, पांच आउट हो गए नहीं चार, तो मैंने कहा था 150 तक जाएगा, लेकिन ऊपर चले गया। जहाँ तक मेरे ख्याल है, मेरे को लग रहा है ये 180 या 175 तक जा सकता है, अगर थोड़ी और अच्छी बैटिंग करें। अभी इनके पास पूरा एक ओवर और उससे ज़्यादा एक दो बॉलें पड़ी हुई है, कोशिश करें तो जा सकता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, देखते हैं कहां तक स्कोर जाता है। भाई यहां पे लास्ट ओवर शुरू हो चुका है, ओवर टाइम एंड दे बीइंग पेनलाइज्ड फॉर इट। कार्व्ड अवे, शुड प्रोबब्ली गेट बैक फॉर टू। वीसा हेजिटेटेड बट थ्रो केम इन द रॉन्ग एंड। 171 टारगेट हो रन बन चुके हैं 5 विकेट के साथ, फोर बॉलें रहती हैं अभी, देखते हैं यहाँ तक मेरे ख्याल 180 हो जाएगा, मैंने कहा है ना 180 हो जाएगा। तो गाइस आखिरी बॉल रहती है इस इनिंग की, ये देखें ये देखते हैं क्या होता है आखिरी बॉल में, फिनिश ऑफ कर देते हैं काम को। अ फ्यू इंचेस लेटर अब देखते हैं क्या होता है। सो इज ओवर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ, दैट्स एक्सेक्यूटेड अक्रॉस इन फ्रंट एंड दैट इज आउट, आउट हो गया। इट्स अ टेरिफिक वे टू फिनिश। ओ भाई, मैंने कहा था 175 या 180 तक जाएगा, और टारगेट गया है 175। अरे बाबा, देखा तुक्का लग गया मेरा, क्योंकि इतना ही मेरे को लग रहा था शुरू से कि इतने ही बनेगा, इतना ही बना। अब देखते हैं सेकंड इनिंग में कौन जीतता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है लाहौर के अंदर जीत जाएगा। A few inches later. तो भाई 176 का टारगेट है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लाहौर कैमरा जीत जाएगा, मगर अब मुल्तान सुल्तान की बैटिंग से देखते हैं कि वो आते ही स्ट्राइक फुल थके जो कि मारते हैं हल्के पड़ जाते हैं, अब वो तो उनके ऊपर है। जहाँ तक मेरा ख्याल है आज लाहौर जीत जाएगा, और कल मेरी फेवरेट टीम जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस बार, उसका है अपना कराची किंग और पिशावर दलमी का। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कल तो कराची किंग जीतेगा, क्योंकि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कराची किंग को, तो कराची किंग ही जीतेगा इंशाल्लाह। आप कमेंट बताओ कि कल कौन मैच जीतेगा, और याला व्लॉग अभी तक आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसे भी लग रहा है कमेंट में बताएं। व्लॉग को लाइक कर दो यार, कर दो, मेहनत लगती है एडिट करने में, मैच देखने में, बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो
चलिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस सेकंड इनिंग शुरू हो चुकी है और अब बोलने बैकग्राउंड चेंज था, मैं दूसरे कमरे के अंदर आ चुका हूँ। तो गाइस सेकंड इनिंग शुरू हो चुकी है, मैंने थंबनेल वगैरह बनाने में थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए थोड़े 3-4 ओवर आगे निकल गए, 2-3 ओवर। ये स्कोर है अभी, अच्छा खेल रहे अभी तक तो खैर, और नेट भी फंसे हुए चल रहा है, देखते हैं कि चेस कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि आज का मैच कौन जीतेगा, वो मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, आप तो इस मैच के बाद ही वे लोग देख रहे होंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि कल का मैच कौन जीता, कराची किंग जलमी का, कमेंट में बताएं, कराची किंग या जलमी, पिशावर जलमी, ठीक है। मेरे को लगता है कि कराची किंग जीतेगा। 8 ओवर हो चुके हैं और ये थोड़ा सीन चल रहा है मैच के अंदर, आउट एक भी नहीं हुआ अभी तक, आउट एक भी नहीं हुआ अभी तक, वही शायद ओपनर है, हाँ ऐसा ही है। 8 ओवर में 69 रन, 70 हो गए, कितने रन चाहिए हैं, कितने 105 रन चाहिए टोटल, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा है यार कि मुल्तान ने जीत जाए, क्योंकि अभी तक इनके ओपनर ही हैं क्रिस्को गेल। मुल्तान को थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है आखिरी एक ओवर के अंदर, क्योंकि इनके रन बहुत कम है अभी, 8 ओवर के अंदर 70। शुरू में अच्छा खेल रहे थे लेकिन अब थोड़े हल्के बढ़ गए, देखते हैं बाकी क्या होता है, कि मैच इंटरेस्टिंग होता है या फिर वन साइडेड हो जाता है, वो तो आगे जाके पता चलेगा, लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। 2000 years later. तो गाइस यहाँ पे अपने 11 ओवर्स के अंदर 0 आउट है, बिल्कुल 0, और 92 रन है, 100 की पार्टनरशिपिंग होने वाली है, पार्टनरशिप देखते हैं अगली बॉल पे क्या होता है, क्या रिजवान की आज क्या सेंचुरी होगी या नहीं होगी, मुझे लगता है कि नहीं होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नहीं हो पाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, और देखते हैं बाकी क्या होता है, मेरा वो सिर्फ 6 रन चाहिए सेंचुरी के लिए, 100 रन के लिए जो पार्टनरशिपिंग इनकी मुकम्मल हो जाएगी, 100 रन सिर्फ और सिर्फ 6 रन चाहिए। और यहाँ पे रिजवान और शान मसूद खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, इनकी पार्टनरशिप मुकम्मल होती है या नहीं होती, वो तो पता चल जाएगा आगे जाके। ये आउट, तो ये इनकी, ये इनकी 100 रन की पार्टनरशिपिंग मुकम्मल हो चुकी है 12 ओवर्स और एक गेंद के अंदर, इनको रन चाहिए 48 बॉल पे 72 रन, और अच्छी बैटिंग करी है इन लोगों ने यार, ओपनर 100 रन तक टिक गए, पहले मैच के लिए 100 रन की पार्टनरशिपिंग, रिजवान और शान मसूद ने अच्छी बैटिंग करी है, और अभी मैच चल रहा है, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा, मेरे को तो अभी तक लाहौर कलंदर के ही चांस लग रहे हैं, आगे आगे देखते क्या होता है, और लाइट भी आ चुकी है। और गाइस ये 100 रन की पार्टनरशिपिंग होते के साथ ही अगली बॉल के ऊपर ही शान मसूद आउट हो चुका है यार, 100 रन की पार्टनरशिप में हुई है और अगली गेंद के ऊपर ही ये शान मसूद आउट हो गया है, ये चेक कर देंगे कैसा आउट, ये शॉट कलर लगा है ये, अच्छा कैच पकड़ा यार, अच्छा कैच पकड़ा है, तो मैं नजर लग गई लोगों का, ये आउट हो गए तो अब लाहौर के चांस जीतने को ज्यादा बढ़ चुके हैं इसके आउट होने, क्योंकि जब ओपनर आउट होगा थोड़ा प्रेशर होगा मुल्तान सुल्तान के ऊपर। यहाँ पे इंटरेस्टिंग घड़ियाँ आ चुकी है, ये देखें 29 बॉल पे 47 रन चाहिए, और देखते हो तभी तक वही एक ही आउट है, और मैच इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, वन साइडेड नहीं है अभी तक इंटरेस्टिंग है, 50-50 चांस, अब देखते हैं कौन जीतता है मैच को। भाई शाहीन आफरीदी ने रिजवान को बोल्ड कर दिया फुल यॉर्कर मार के, और ये देख सकते हैं रिजवान 75 रन पे रिजवान आउट हो गया यार, फीलिंग सैड फॉर रिजवान यार, या चेक करो, अगर ये बल्लभ चढ़ती छक्का होता मगर रिजवान की सेंचुरी मिस हो गई यार, मैंने कहा था ना कि मुश्किल है रिजवान की सेंचुरी, आज हर बात मेरी सच हो रही है यार, हर बात। अब मुझे लग रहा है थोड़ा लाहौर करने के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि रिजवान के आउट होने से वो जमा हुए थे ओपनिंग से, अब देखते हैं आगे होता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी लाहौर करने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ कह सकते हैं कि 100% लाहौर जीतेगा या 100% मुल्तान, वो तो आगे जाके पता चलेगा। भाई 2 ओवर के अंदर 29 रन चाहिए, और यहाँ पे हारिस राउत ने एक और विकेट ले ली है, इंटरेस्टिंग फुल इंटरेस्टिंग मैच हो चुका है, अब देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। 12 seconds later. तो गाइस यहाँ पे ट्राई तो बहुत अच्छे की चौका रोकनी है, मगर रुका नहीं शोएब मलिक, यहाँ पे 6 बॉल पे
सिक्स बॉल पे 15 रन चाहिए। अब देखते हैं कौन जीतता है। इंटरेस्टिंग मैच हो चुका है। मुझे लग रहा है मुल्तान सुल्तान जीत जाएगा जैसे उनकी अभी तक बैटिंग चल रही है, मगर देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये कोई नया लड़का लग रहा है मेरे को, तो मैंने तो कहीं पहले नहीं देखा इनको। अब देखते हैं क्या होता है। ये सिक्स बॉल पे 15 रन चाहिए और ये बॉल कहाँ जा रहा है। ओ एक रन, 5 बॉल पे 14 रन। इंटरेस्टिंग हो गया यार, मैं देखते हैं कौन जीतता है यार। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरे को लग रहा है कि पोलार्ड आउट हो गया है। देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पोलार्ड आउट हो गया है, पता नहीं आउट हुआ या नहीं हुआ। 2 रन की ट्राई तो अच्छी करी पोलार्ड ने। अब देखते हैं आउट है या नहीं। रिव्यू लिया तो है अभी उन लोगों ने, लेकिन यार ये नेट बहुत अटक के चल रहा है। तो आइए आप देख सकते हैं ये पोलार्ड आउट हो गया है। ये बिल्कुल आप पोलार्ड आउट हो गया है। डिसीजन पेंडिंग और ये डिसीजन पेंडिंग आउट। पोलार्ड आउट हो चुका है। अब लाहौर के लिए बहुत कम चांसेस थे जीतने के, मुल्तान के लिए बहुत कम चांसेस थे जीतने के लिए। 4 बॉल पे 13 रन चाहिए। देखते हैं क्या होता है। मुल्तान जीतता है लाहौर, जहाँ तक मेरे ख्याल है लगे लाहौर जीत जाएगा। पोलार्ड के आउट होने के मुल्तान चांसेस कम हो चुके हैं। और ये नेक्स्ट बॉल आउट हो गया। ये आउट हो गया। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये आउट नहीं है, मगर ये आउट कैसे हो गया तो मुझे भी नहीं पता। अभी रिव्यू वगैरह ले रहे हैं, देखते हैं आउट है या नहीं। तो यहाँ पर 1 बॉल पे 6 रन चाहिए, 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे, वो चौका मार के रुक कर दिया। अब 1 बॉल पे 6 रन चाहिए, अब देखते हैं छक्का मारते या नहीं। मैच काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। 1 बॉल पे 6 रन चाहिए, छक्का लग गया जीत गए, नहीं लगा तो हार गए। देखते हैं क्या होता है आखिरी बॉल पे। और ये आखिरी बॉल 1 बॉल पे 6 रन चाहिए, देखते हैं क्या होता है। हार गए। लाहौर कलंदर जीत गया। लाहौर कलंदर, मैं शुरू से कह रहा था कि लाहौर कलंदर जीते। लाहौर कलंदर विन बाय 1 रन। तो यहाँ पर ये मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाहौर कलंदर जीत गए। शुरू से मैं कह रहा था कि लाहौर के जीतने का आनंद ज्यादा है। तो 1 रन से मुल्तान सुल्तान हारा है, कोई इतनी बुरी नहीं है तरीके से नहीं हारा, 1 रन से हारा है। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो व्लॉग को लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, शेयर कर देना अपने ग्रुप वगैरह भर भर के सब जगह शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।